अब इतना करीब होने को भी नहीं कहा था, शर्म नहीं आती? सब देख रहे हैं तुम्हें। क्यों भाई, शर्म वाली कौन सी बात है, बीवी है मेरी और वैसे भी हमारा फंक्शन है, लोग तो हमें ही देखेंगे, क्यों? बस करते हैं आप। नानू, नानू यहाँ क्या कर रही है? Come on, everyone, smile. नानू, आप यहाँ? आप यहाँ कैसे? हादिया, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम बहुत खुश हो, सब ठीक है यहाँ पे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी। आप क्या कह रही है नानू? शौकत ने अच्छा नहीं किया, उसने अपने घर वालों के सामने तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम ही नहीं किया, मगर आज उसे अपने खानदान के सामने, बल्कि पूरे माशरे के सामने तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम करना पड़ेगा। नानो, आप प्लीज यहां से चली जाएं। क्यों चली जाऊं? जो गलती तुम्हारी मां ने की थी ना आज से 20 साल पहले, वही गलती तुम कर रही। वो तो इस दुनिया से चली गई और खामोश रही, उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर मैं नहीं चाहूंगी कि तारीख अपने आप को दोहराए। बेटा, अगर उस वक्त तुम्हारी माँ ने आवाज उठाई होती ना, तो पूरी दुनिया को पता होता कि तुम शौकत रजा की बेटी हो। नानो, आप ठीक कह रहे हैं, मगर ये मुनासिब वक्त नहीं है। शादी का घर है, सब लोग आए हुए हैं, किसी ने कुछ सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे? नानो, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा इधर। तुम इतना क्यों सोच रही हो? शौकत रजा ने तो तुम्हारे बारे में नहीं सोचा कि तुम पर क्या गुजर रही है। नानो, आपने ही तो मुझे सिखाया है दूसरों का ख्याल रखना। अब हमारी वजह से किसी और की खुशी में कोई बदमजगी ना हो जाए। नानो, आप प्लीज यहाँ से चली जाए। मैंने इतना इंतजार कर लिया, मैं कुछ देर और कर लूंगी। तुम्हें शौकत रजा और उसके घर वालों की बहुत परवाह, उसे तो तुम्हारी फिक्र नहीं है बिल्कुल भी। नानो, उन्हें फिक्र है, उन्होंने खुद सबसे बोला है कि वो शादी के बाद सबको सच सच बता देंगे, लेकिन आप प्लीज अभी यहाँ से चली जाए नानो, प्लीज। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ बेटा। नानो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, आपने हमेशा मेरी बात मानी है, तो आज भी मेरा भरम रख ले, मेरे लिए, अपनी हादिया के लिए, प्लीज नानो, प्लीज यहाँ से चली जाए। ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ, लेकिन अगर उसने शादी के बाद तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम नहीं किया ना, तो फिर मैं उसके घर वालों को सब कुछ बता दूँ। घर है,